कुछ हफ्ते पहले हमने एक पोल रन किया था जहां 84% लोगों ने अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए RSE के लिए वोट किया था ओवर BSE एज अ प्रेफर्ड स्टॉक एक्सचेंज। वेल, जैसे कि हम जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा कंपनीज मार्केट से पैसा रेस करती हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड मार्केट प्लेस है जहां बाइंग, सेलिंग और शेयर्स इश्यूएंस जैसी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है। किसी नेशन की इकोनॉमी को बिल्ड करने में स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है, और जो कंपनीज इन पर लिस्टेड है उन्हें रेगुलेटरी बॉडीज के कुछ रूल्स भी स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE सबसे इम्पोर्टेंट एक्सचेंजेस है, और आपने जरूर अपनी लाइफ में कभी ना कभी इन दोनों टर्म्स को सुना ही होगा। हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि इनका रिलेशन स्टॉक्स और बॉन्ड से है, पर हम में से बहुत लोगों को ये नहीं पता कि NSE और BSE में अंतर क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं CA भूमि रांका आपसे शेयर करूंगी व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन NSE एंड BSE। शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना है और हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अबाउट टॉप डिफरेंसेस बिटवीन NSE एंड BSE। अगर एक इंट्रो कहें तो जहां NSE इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, वहीं BSE ना कि सबसे पुरानी बल्कि सबसे पहली स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी पूरे एशिया में। NSE ने इंडिया में फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक और स्कीम बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, और BSE अपने कस्टमर्स को हाई स्पीड ट्रेडिंग ऑफर करती है। सेकेंड पार्ट में अगर डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, NSE 1992 में फाउंड हुई थी और 1993 में रिकॉग्नाइज हुई थी। BSE 1875 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसे प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉग्निशन मिला था फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर रैंकिंग की बात करें वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस की लिस्ट में, NSE 9 पोजीशन होल्ड करती है, दूसरी ओर BSE 8 पोजीशन होल्ड करती है अमंगस्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज रैंकिंग्स। फोर्थ इज बेंचमार्क इंडेक्स। NSE के बेंचमार्क इंडेक्स को हम निफ्टी 50 कहते हैं, और ये ट्रैक करती है 50 लार्जेस्ट और सबसे हाईएस्ट लिक्विड स्टॉक्स को। BSE के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स है, और ये ट्रैक करता है टॉप 30 लार्जेस्ट और लीडिंग कंपनीज को दैट आर लिस्टेड अंडर BSE, और ये इंडिया का सबसे पहला इक्विटी इंडेक्स भी है। फिफ्थ कंपनीज लिस्टेड। NSE पर तकरीबन 1641 कंपनीज लिस्टेड है, और वही BSE पर अराउंड 5259 कंपनीज लिस्टेड है। अगर लिक्विडिटी की बात करते हैं तो NSE में ज्यादा लिक्विडिटी होती है एज कम्पेयर टू BSE, क्योंकि उनमें वॉल्यूम ज्यादा होती है, इसलिए NSE के कंपैरिजन में BSE पर काफी लो वॉल्यूम रहती है। सेवन पॉइंट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। NSE का मार्केट कैप ऑलमोस्ट अराउंड 3.77 ट्रिलियन US डॉलर्स है, और वही BSE का मार्केट कैप अराउंड 3.96 ट्रिलियन US डॉलर्स है एज ऑफ लास्ट ईयर। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो NSE में जो प्रोडक्ट्स है उनमें आती है इक्विटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडेड फंड्स, सिक्योरिटी, लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स विच इज IPOs, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम IPP, और यहां तक कि ऑफर फॉर सेल। BSE में केवल इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडेड फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, IPOs और ऑफर फॉर सेल होते हैं। अगर विजन की बात करते हैं तो NSE एक लीडर बनी रहना चाहती है, ग्लोबल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना चाहती है, और साथ में लोगों में फाइनेंशियल वेलबींग लाना चाहती है। BSE की बात करें देन इट वांट्स टू इमर्ज एज द प्रीमियर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जहां बेस्ट इन क्लास ग्लोबल प्रैक्टिस हो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट इनोवेशन और कस्टमर सर्विस में। वेल, दोनों NSE और BSE एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ की तरफ। हर रोज लाखों इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स इन एक्सचेंजेस पर ट्रेड करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही एक्सचेंजेस इंडिया के कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में स्थित है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना है NSE और BSE के डिफरेंसेस के बारे में। कमेंट्स में हमें बताएं किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करना आप प्रेफर करते हो, NSE या BSE। और जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.